ओके चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा फाइल लेने। ठीक है, तो डेटा फाइल लेंडिंग, ठीक है। डेटा फाइल लेंडिंग क्या है? हमारे पास फाइल है। ओके सो नॉर्मली हम लोग फाइल का यूज कब करते हैं? जब हमें सपोज कोई इनपुट लेना है एंड देन आउटपुट फाइल में ही सेव करना है। नॉर्मली हम लोग क्या लेते हैं, वी टेक द इनपुट्स फ्रॉम द कीबोर्ड, ओके, और मॉनिटर पर डिस्प्ले करते हैं। सपोज आपको टू नंबर्स रीड करना है और उसको प्लस करके दिखाना है, सो हम लोग नंबर रीड कहाँ से करते हैं? कीबोर्ड से नंबर हम लोग रीड करेंगे एंड देन उसको कहाँ पर डिस्प्ले करते हैं? मॉनिटर पर डिस्प्ले करते हैं। ओके सो इन केस ऑफ द फाइल, सपोज हमें कोई फाइल को रीड करना है, ठीक है, फाइल को रीड करना है इन द सेंस सपोज आपका सीबीएसई का रिजल्ट डिस्प्ले होता है ना, और सपोज उस फाइल को मुझे एनालाइज करना है, तो एनालाइज हम लोग क्या करते हैं? उस फाइल को रीड करते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग इनपुट कहाँ से लेंगे? वी टेक द इनपुट फ्रॉम द फाइल। ओके अब सपोज कुछ आउटपुट हमने कुछ कैलकुलेशन किया एंड देन हमें चाहिए कि पर्टिकुलर जो भी आपका आउटपुट है वो परमानेंटली सेव हो जाए। ठीक है, टू सेव परमानेंटली वी यूज फाइल, क्योंकि फाइल ही आपके पास एक इस टाइप का रिकॉर्डिंग ऑप्शन है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना जो भी डेटा है वो हम लोग उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ फाइल देर आर टू टाइप्स, वन इज अ टेक्स्ट फाइल, सेकेंड इज बाइनरी फाइल। सो आपके पास जो फाइल है वो देर आर टू टाइप्स, ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल सिंपली contains data in text form. ठीक है, तो normally you can see particular file data. ठीक का मतलब है कि सपोज हमारे पास कोई फाइल अवेलेबल है, कोई भी फाइल, टेक्स्ट फाइल, ओके सपोज ये फाइल, ओके इट्स ए टेक्स्ट फाइल बिकॉज जो भी डेटा है आपको किस फॉर्म में दिख रहा है? इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। मतलब आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो डेटा है वो टेक्स्चुअल फॉर्मेट में है। ठीक है, बट कुछ फाइल ऐसी होती है बाइनरी फाइल जिसका डेटा आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, और देख नहीं सकते। सो वो डेटा क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ वन और जीरोस। तो जहाँ भी द बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वहां पर हम लोग डेटा, हमें डेटा कैसे मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। सपोज आपके पास कोई वीडियो फाइल है, कोई इमेजेस है, सो आप इसका डेटा सपोज हमें रीड करना है, सो वी कैन नॉट सी कि उसका टेक्सचुअल डेटा क्या है। हमें डेटा किस फॉर्म में दिखाई देगा? इन द फॉर्म ऑफ वन एंड जीरो। सो बाइनरी फाइल, ओके, नॉर्मली कहाँ पर यूज होती है? यहाँ पर बंडल ऑफ डेटा हम लोग राइट करते हैं। सपोज आपको कोई डिक्शनरी राइट करना है, तो डिक्शनरी द होल राइट करना है, इट्स बंडल। लिस्ट राइट करना है, इट्स बंडल। ओके जहां भी बंडल ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर करना है देन वी यूज द बाइनरी फाइल। सो नॉर्मली आप वन वन कैरेक्टर इनपुट करते हैं, इट्स ओके, सिंपल टेक्स्ट है, बट जब आपको बंडल स्टोर करना है तो हमें क्या चाहिए उस केस में? वी रिक्वायर बाइनरी फाइल। ठीक है, बाइनरी फाइल कंटेन्स डेटास इन द फॉर्म ओके सो बाइनरी फाइल कंटेन्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ वन और जीरोस, द फॉर्म ऑफ वन और जीरोस। ठीक है, सो बाइनरी फाइल जनरली कहां पर हम लोग यूज करते हैं? सपोज वीडियो फाइल, वीडियो, इमेज, ये सारी किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। ठीक है, सो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो जनरल ऑपरेशंस होता है वो कैसा होता है? ठीक है, तो जनरल ऑपरेशन लाइक जैसे
यहाँ पर हम देख देखते हैं। ओके सो नॉर्मल ऑपरेशंस ये सपोज आपके पास क्या है सिस्टम है और वी कैन सी इट्स ए रेम। ओके सो रेम इज ए मेमोरी विच होल्ड ऑल रनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है सपोज आपने कोई टू नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया। ओके सो नाउ सपोज इट्स ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। ओके सो वी टेक द इनपुट्स फ्रॉम द कीबोर्ड। आप कहाँ से इनपुट लेंगे? कीबोर्ड से। ओके टू नंबर्स आपने इनपुट किया, नाउ विल डिस्प्ले फाइनल आउटपुट टू द मीटर। ओके सो रैम इज ए पर्टिकुलर मेमोरी विच होल्ड्स अ रनिंग प्रोग्राम। सो आपका टू नंबर से जो ऐड होने का प्रोग्राम है वो रैम में रन हो रहा है। नाउ वी डिमांड द टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर। द यूजर इनपुट्स टू नंबर्स बाय यूजिंग द कीबोर्ड। वी ऐड टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द फाइनल रिजल्ट टू द मॉनिटर। ओके सो इन केस ऑफ द फाइल सपोज आई वांट टू ऐड टू नंबर्स बट आई कैन टेक द इनपुट फ्रॉम द फाइल। Okay, and again, I can display the sum to a file. Depends. Okay, so आपको कहाँ पर दिखाना है? Okay, so sum हम लोग कहाँ पर दिखा सकते हैं? File में भी दिखा सकते हैं, and आप उसको कहाँ पर दिखा सकते हैं? इस टाइप से। ठीक है सो सपोज ये क्या है, इट्स योर रेम। सॉरी ओके कीबोर्ड, इट्स योर कीबोर्ड, देन इट्स योर मॉनिटर। ओके तो ये आपका प्रोग्राम है। नाउ वी कैन टेक द डेटा फ्रॉम द फाइल। कहां से ले सकते हैं आप? फाइल से भी आपका डेटा ले सकते हैं। देन वी कैन सेंड डेटा टू ए फाइल। अब एडवांटेज क्या हुआ, दैट विल नॉट डिपेंड ऑन द कीबोर्ड कि आपको कीबोर्ड से इनपुट लेना है। आपके पास सपोज जो भी फाइल अवेलेबल है यू कैन रीड इट। So we can take the data from the keyboard and we can store data in a file. ठीक है आप कीबोर्ड से डेटा लेके कहाँ पर स्टोर कर सकते हैं? फाइल। सपोज मुझे किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, किसी क्लास के स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, उसके लिए आपने एक प्रोग्राम बनाया। सो नाउ वी कैन टेक द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड वी कैन सेंड इट टू द फाइल इंस्टेड ऑफ मॉनिटर। आप मॉनिटर की जगह पर किस में सेंड कर सकते हैं उसको? फाइल में सेंड कर सकते हैं और मॉनिटर पे भी सेंड कर सकते हैं, दोनों पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है सो इन द सेम केस आप इनपुट कहाँ से ले सकते हैं? फाइल से ले सकते हैं। और उस इनपुट को आप डिपेंड करता है आपको कहाँ पर दिखाना है। ओके सो यू कैन शो ऑन द मॉनिटर। और सपोज एक फाइल से डेटा को किसी दूसरी फाइल में सेंड करना है, सपोज फाइल को कॉपी करना है, सो वी रीड फ्रॉम द फाइल वन and we copy it to file 2. So आपने क्या किया, file to file operation perform कर लिया। ओके सो इट डिपेंड्स कि आपका किस टाइप का चॉइस है। आपको मॉनिटर पर डिस्प्ले करना है, सपोज किसी फाइल का कंटेंट आपको डिस्प्ले करना है, सो नाउ वी रीड फ्रॉम द फाइल एंड डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। ओके बट सपोज आपको किसी फाइल को कॉपी करना है तो आप क्या करेंगे, फाइल 1 से फाइल 2 में कॉपी करेंगे, सो फाइल टू फाइल ऑपरेशन होगा। ओके सो बेसिक थिंग द एडवांटेज क्या है फाइल का, दैट वॉट एवर वी आर डूइंग। ठीक है नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सपोज आपने टू नंबर्स को ऐड किया, ओके सो मॉनिटर पर डिस्प्ले हुआ एंड देन इट गोस। नेक्स्ट टाइम अगेन वी इनपुट द नेक्स्ट नंबर। बट सपोज आपको क्या करना है,
सपोज आपने कोई डेटा इनपुट लिया, नाउ यू वांट टू चेंज, यू वांट टू सेव दैट पर्टिकुलर इनपुट्स कि आपने क्या इनपुट लिया था, तो आप उसको फाइल में स्टोर कर सकते हैं। ओके, आपका जो कैलकुलेशन है सपोज वो आपको परमानेंटली सेव करना है, तो आप उसको फाइल में सेव कर सकते हैं। इट्स एडवांटेज। ठीक है, तो अभी क्लियर हो जाएगा, आगे हम लोग देखेंगे। ओके, सो ये क्लियर है ना? सो ठीक है, ये क्लियर है। फाइल एंडिंग बेसिकली फाइल क्या करती है, आपका जो भी डेटा है उसको परमानेंटली स्टोर करती है। ठीक है, सो नाउ वी विल सी द फाइल ऑपरेशंस। फाइल ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं, सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना है। ओपन फाइल इन द रिक्वायर्ड मोड। ठीक है, अब यहाँ पर मोड डिफरेंट है, मैं बताऊंगा, पहले हम लोग उसको देखते हैं। परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशन ऑन फाइल। ओके, इन द लास्ट वी यूज क्लोज इट। ओके, सो देर आर थ्री। सो फाइल ऑपरेशन कैसे होगा, सबसे पहले फाइल को आपको ओपन करना है। ठीक है, देन आपको पर्टिकुलर क्या करना है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपको सपोज नेम राइट करना है, देन नाउ लास्ट यू क्लोज इट। ठीक है, सो एक सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग करके देखते हैं। पाइथन नाउ। ओके, सो नाउ सपोज वी स्टार्ट। सो आपने ओपन किया, एफ इक्वल टू ओपन, सिंपल लिखना है आपको ओपन। ओके, नाउ फाइल नेम वी डिसाइड। फाइल नेम सपोज माय फाइल डॉट txt। ओके, सेकेंड चीज होती है, नाउ सेकेंड राइट। ओके, सो दीज आर दी मोड्स। सो जो फर्स्ट है वो आपका फाइल नेम है, द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज फाइल नेम, सेकेंड इज योर मोड। ओके, सो मोड आपको क्या बताएगा कि आपका जो फाइल है उसका क्या पर्पस है, मतलब आप फाइल को किस पर्टिकुलर पर्पस से ओपन कर रहे हैं। ओके, सो सपोज आप किसी फाइल को रीड करना है, देन वी राइट, हमें किस मोड में ओपन करना है, फाइल को रीड मोड में ओपन करना है। ओके, सो सपोज किसी फाइल को राइट मोड में ओपन करना है, आपको किसी फाइल में चेंज करना है, राइट करना है, तो आप किस मोड में ओपन करेंगे उसको, राइट मोड में ओपन करेंगे। ठीक है, सो नाउ अब हमने क्या किया, फाइल को राइट मोड में ओपन किया, नाउ वी वांट टू राइट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइल को राइट करना है। सो वी राइट, सो बाय डिफॉल्ट इट्स रीड मोड, बट अब हमें क्या करना है, राइट करना है। अब राइट क्या करना है, सपोज आई वांट टू राइट माय नेम। ओके, प्रोग्राम क्या है, आई वांट राइट प्रोग्राम, प्रोग्राम टू राइट योर नेम। ओके, सो सिंपल, वी ओपन द फाइल इन राइट मोड, नाउ वी टेक द इनपुट नेम। ठीक है, माय नेम, सो नाउ वी यूज इनपुट, एंटर योर नेम। ओके, अभी हमने कहां से लिया, कीबोर्ड से, कहां से लिया, कीबोर्ड से। नाउ अब माय नेम के पास क्या होगा, डेटा होगा, दैट वी आर हैविंग सम वैल्यूज, इस वैल्यू को मुझे क्या करना है, राइट करना है। ओके, सो राइट क्या करना है, राइट टू फाइल। ओके, सो सिंपल, राइट टू फाइल के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है राइट। ओके, हम क्या करेंगे, सिंपल राइट करेंगे। सो राइट नाउ
अब मैं लिखा, क्या लिखेंगे? नाउ वी राइट एफ डॉट राइट। ओके, तो ये क्या हुआ, जब हम लोग इस फंक्शन को ओपन करते हैं तो नाउ द फाइल इस एफ के साथ कनेक्ट हो जाती है। अब हम लोग जो भी ऑपरेशन है वो इसे एफ के थ्रू डेल करते हैं। ओके, सो एफ इज एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली, इट्स ए स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, इट डिसाइड की पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर स्ट्रीम से एसोसिएटेड है। ओके, सो इट्स एसोसिएटेड विद द राइट। नाउ वी राइट सपोज, अब मुझे क्या राइट करना है, माई नेम राइट करना है। ओके, माई नेम राइट हुआ, नाउ इन द लास्ट एफ डॉट क्लोज। ओके, तो रन करके हम लोग देखते हैं, नाउ सेव डेट फाइल वन डॉट पी आर, सॉरी देखते हैं रन होगा कि नहीं, शायद ही रन होगा। फाइल सेव एस, सॉरी ओके, नाउ वी रन। सो सपोज ओके, अब हमें देखना है कि ये फाइल क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। विल ओपन द फाइल, ओके माय फाइल, फाइल नेम क्या था, फाइल नेम था इज माय फाइल। ओके टेक्स्ट, नाउ वी ओपन इट। सो नाउ इन दिस फाइल वी हैव नेम, ओके, तो ये जो फाइल है आपका टेक्स्ट फाइल है। आप चाहो तो इस पर्टिकुलर ओपन इस पाथ को कॉपी करना है, सिंपल वी गो द डेस्कटॉप। ओके, नाउ इसको मैन्युअली भी हम लोग चेक कर सकते हैं, डेट आपका फाइल अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग उस पाथ पे चले गए जहाँ हमारा फाइल क्रिएट हुआ। सो नाउ वी कैन फाइंड माई फाइल, ये देखो माई फाइल यहाँ पर है। क्लोज को देखेंगे तो ये किस में ओपन हो रहा है, नोट पेड में ओपन हो रहा है, और नोट पेड में यहाँ पर नेम लिखा हुआ है। ठीक है, सो इट्स ए टेक्स्ट फाइल एक्चुअली, किस टाइप का फाइल है, टेक्स्ट फाइल। अब सपोज इसी फाइल को, इसी प्रोग्राम को मैंने फिर से रन किया। ठीक है, तो मैंने लिखा सपोज अशोक, नाउ क्या हुआ, इस फाइल के अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, सो नाउ वी अगेन ओपन द सेम फाइल, नेम चेंज हो गया, क्या हुआ। सो वेन एवर वी यूज द राइट ऑपरेशन, इट इरेज ऑल द कंटेंट ऑफ द फाइल एंड देन पुट द न्यू वैल्यूज। ठीक है, सो मेरी बात ध्यान से सुनना कि राइट क्या करता है, फर्स्ट थिंग टू थ्री टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, क्या करेगा, फर्स्ट इट चेक्स द फाइल दैट पर्टिकुलर अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। क्या करेगा, फर्स्ट थिंग इट चेक्स दैट माई फाइल डॉट टेक्स्ट इज अवेलेबल और नॉट, इफ नॉट अवेलेबल इट क्रिएट्स। ठीक है, क्या करेगा, ये क्रिएट करता है। सेकेंड थिंग, अब सपोज अवेलेबल है तो क्या करेगा, इफ द फाइल इज अवेलेबल इट इरेज द कंटेंट ऑफ द फाइल एंड देन पुट द न्यू कंटेंट। ओके, मतलब बिफोर राइट इट इरेज ऑल द डेटा ऑफ द फाइल। ओके, सो इट परफॉर्म टू टास्क, नॉट अवेलेबल क्रिएट इट, इट अवेलेबल इट इरेज एंड देन पुट द न्यू वैल्यूज। ठीक है, अब सपोज ये तो गया एक नेम, अब सपोज आई वॉन्ट टू राइट द फाइव नेम्स, कितने नेम्स, फाइव नेम्स मुझे राइट करना है। सो इट विल बी द सेम, नाउ वी टेक द इनपुट, कितना, फाइव, फॉर आई इन रेंज हाउ मच, फाइव। ओके, तो हम क्या करेंगे, फाइव नेम्स इनपुट लेंगे। ओके, सो हमने नेम इनपुट लिया, एफ डॉट राइट लिया, नाउ वी कैन नॉट यूज द क्लोज इनसाइड दिस
लूप, अदरवाइज क्या होगा, आपका फाइल यहीं पर क्लोज हो जाएगा। सो लूप किसके लिए रन होगा, सो लूप रन होगा किसके लिए, फॉर आई, आपने इनपुट लिया उसको राइट करेगा, फिर से इनपुट लेगा, फिर से राइट करेगा, फिर से इनपुट लेगा, फिर से राइट करेगा। ओके, सपोज ये क्लोज हमने इसके यहाँ पर डाल दिया तो क्या होगा, वन इनपुट होगा, वन टाइम राइट होगा एंड देन क्लोज हो जाएगा फाइल। ठीक है, सो हमें क्या करना है, फाइव नेम्स राइट करना है। सो विल नॉट यूज द क्लोज इन द लूप, अदरवाइज क्या होगा, एक ही बार में ये क्लोज कर देगा। ठीक है, सो नाउ अब सपोज हमने इनपुट किया, सपोज ओके फाइव नेम्स इनपुट हो गए, नाउ कैन सी फाइव नेम्स यहाँ पर माय फाइल देखो। ओके सो सारे नेम्स आ गए लेकिन क्या नहीं आ रहा है, न्यू लाइन में नहीं आ रहा है और दिस स्पेसेस नहीं आ रहा है। सो डिपेंड करता है आपको क्या करना है, इसको न्यू लाइन में प्रिंट करना है या नहीं प्रिंट करना है। ठीक है, सो इफ यू वांट टू प्रिंट अ न्यू लाइन आप क्या करेंगे, ओके माय लाइन के साथ क्या करेंगे, इसी के साथ आप राइट कर दो कॉमा लेसन, आई विल राइट दोनों। ठीक है, तो देखते हैं ये राइट होगा क्या, नहीं, सो यू कैन राइट इट सेपरेटली। ओके हम क्या करें, इसको सेपरेटली राइट कर दें ना। Now, let's see. File. Okay, सारे कहाँ पर आ गए, नेक्स्ट लाइन में। सो एज पर द रिक्वायरमेंट आपको जो भी करना है आप सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो गया ओनली फाइव नेम्स। ओके नेक्स्ट टाइम सपोज अगेन मैं इस प्रोग्राम को चेंज करता हूँ, देन अगेन इट विल इरेज ऑल द कंटेंट। इसने कंटेंट को इरेज किया एंड देन फिर से अगेन क्या किया, री राइट किया। ओके नाउ सपोज सेम इसी फाइल को मुझे रीड भी करना है। ओके राइट प्रोग्राम टू राइट फाइव नेम्स इन द फाइल एंड एंड डिस्प्ले कंटेंट ऑफ फाइल। ठीक है, अब इसी फाइल का कंटेंट मुझे डिस्प्ले भी करना है, तो डिस्प्ले करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ दिस प्रोग्राम इज टू राइट अगेन आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द फाइल वी ओपन द फाइल इन रीड मोड। किस मोड में ओपन करना है, रीड मोड में हम लोग ओपन करेंगे, नाउ वी ओपन द फाइल इन रीड मोड। ओके सो जिसे आपने पर्टिकुलर फाइल को रीड मोड किया, नाउ अब हम क्या करेंगे, वी यूज द रीड लाइन। ठीक है, सो इसको रीड लाइन करना है। सो एफ सपोज हमने लिखा एफ डॉट रीड लाइन, इसमें रीड लाइन करेगा। ओके नाउ इसमें किया वाइल एफ, सॉरी इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। ठीक है,
print key. Okay, and the last at dot close. Okay, so suppose Sumit, Atis, Aman, Rahul, Sonu, O. Infinite loop for everyone. Okay, now I to close it. While this is equal to the handle. बहुत सारी मेथड्स हैं, उसको अलग अलग टाइप से प्रिंट कर सकते हैं. इनवैलिड सिंटैक्स व्हाइल एंड ऑफ फाइल इज नॉट कमिंग चलेगा कि नहीं चलेगा. व्हाइल नॉट एफ डॉट एंड ऑफ फाइल इक्वल टू लेटर वी नॉट. हम नहीं कहते तो फाइल रीड करना है. फाइल नॉट सिंपल एक काम करते हैं. वन मोर ऑप्शन है मेरे इक्वल टू एट डॉट रीड लाइन्स लाइन्स. ओके देन वी यूज प्रिंट. तो सेपरेट लिस्ट ने क्या किया, लिस्ट ने होल लाइंस को रीड कर लिया. तो टी वाई यू आई एंड देन ओ, तो इट रीड द होल लाइंस. ठीक है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. तो लिस्ट को आपको पता है सेपरेटली हम लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं. तो लिस्ट आइटम प्रिंट करना है, देन वी कैन यूज फॉर आई इन पर्टिकुलर जो व्यक्ति लिस्ट. ओके, एंड देन वी कैन प्रिंट इंडिविजुअल एलिमेंट्स. तो इंडिविजुअल एलिमेंट प्रिंट करना है तो आप इस टाइप से भी प्रिंट कर सकते हैं, और वी कैन डायरेक्टली प्रिंट. ठीक है, वो देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर क्या उसका मेथड है. ठीक है, सो यहाँ पर रीड करने के लिए आपके पास क्या है, टू थ्री ऑप्शंस हैं. ओके, सो रीड के लिए आपके पास जो मेथड्स हैं वो क्या क्या हैं, रीड मेथड्स क्या क्या हैं, रीडिंग मेथड्स कौन कौन सी है. Reading methods. Okay, so there are two, three, four methods actually. One is read, only read. Okay, so it will read the entire content of the file. Suppose, so two, second thing, read line. Read line. It read one line. One line terminated by slash. Okay, second is read lines. It read all the lines. It read all the lines. So last option is 4, read n. So it read the number of characters n. Okay. So आपने suppose यहाँ पर read किया तो भी ये work करता है. ठीक है, if you use the read. Okay, ये four options हैं reading methods. Then suppose I'm use here read now. Okay, so it read as it is. Okay, so read the whole content. Read, but suppose I'm here for read five कर दिया, तो क्या होगा? It will read the five characters only. Okay, क्या read करेगा? Five characters.
ठीक है, टाइप कैरेक्टर्स मतलब स्लैश एन को भी वो काउंट करता है। ओके ठीक है, सो रीड एंड राइट। सो आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करना है, ठीक है, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, बुक किसके किसके पास अवेलेबल है?